पूरे भारत में मुंबई में लोकल ट्रेनें सबसे व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली परिवहन है। मुंबई की लोकल ट्रेनें यात्रियों को समय पर उनके कार्यालय पहुंचने में, समय पर घर पहुंचने में, समय पर लोगों से मिलने, शादियों में पहुंचने में आदि में मदद करती है। सड़क परिवहन जैसे गाड़ियां, बाइक, बस आदि के कारण घंटों की देरी हो सकती है। हालांकि लोकल ट्रेनें हमेशा समय पर होती है। बहुत कम ही बिजली की तारों में शॉर्ट सर्किट, भारी बारिश, बाढ़ आदि के कारण देरी हो सकती है, लेकिन अन्यथा ट्रेनें बहुत समय पर होती है। हालांकि 16 अप्रैल को सभी लोकल ट्रेनें देरी से चल रही थी। कई कर्मचारी अपने ऑफिस पर देरी से पहुंचे और अपने बॉस के गुस्से का सामना करना पड़ा। मालिक ने वेतन काटने का आदेश दिया और कर्मचारियों को वैकल्पिक परिवहन खोजने को कहा। इसी तरह ISH न्यूज़ के कर्मचारी 4 घंटे तक ट्रेनों में फंसे रहे और काफ़ी देर से ऑफिस पहुंचे। तो ये हुआ था। 15 अप्रैल 2022 को रात 10:15 बजे लंबी दूरी की 2 ट्रेनें गडक एक्सप्रेस जो CSTM और गडक जंक्शन कर्नाटक के बीच चलती है और चालुक्य पुडुचेरी एक्सप्रेस जो दादर और पांडिचेरी के बीच चलती है। चालुक्य एक्सप्रेस दादर से निकलकर धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। गडक एक्सप्रेस जो CSTM से निकली थी और दादर की ओर जा रही थी, वह उसी ट्रैक पर तेज गति से आ गई और चालुक्य एक्सप्रेस के पीछे के डिब्बों से टकरा गई। टक्कर के परिणाम स्वरूप चालुक्य पुडुचेरी एक्सप्रेस के 3 डिब्बे पटरी से उतर गए। सभी यात्री सुरक्षित हैं और किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। मध्य रेलवे के एक अधिकारी ने कहा कि गडक एक्सप्रेस की गलती थी, क्योंकि उसने लाल बत्ती दिए जाने पर भी पटरियों को बदलने की कोशिश की और ट्रेन से जा टकराई। यहाँ एक दिलचस्प तथ्य है, मुंबई लोकल ट्रेनों में ऐसी टक्कर की दुर्घटनाएँ लगभग कभी नहीं हुई है। यह अत्यंत दुर्लभ है। यहाँ AWS नामक एक तकनीक के कारण है जो मैग्नेट और सेंसर की एक श्रृंखला के माध्यम से काम करता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। घर और ऑफिस में स्मोक डिटेक्टर होते हैं जो धुएं का पता लगाते हैं और पानी छिड़कते हैं। इसी तरह ट्रेनों में AWS सेंसर ट्रेन को लाल बत्ती कूदने की अनुमति नहीं देते हैं। यही कारण है कि लोकल ट्रेनें बिना किसी रोक टोक के दौड़ती है। एक बार एक लोकल ट्रेन की टक्कर हो गई थी, लेकिन यह पाया गया कि AWS खराब था और मोटरमैन ने सेंसर को बंद कर दिया था, इसी वजह से ट्रेन की टक्कर हो गई। भारतीय रेलवे ने कहा है कि मुंबई लोकल ट्रेनों में AWS अच्छा काम कर रहा है, लेकिन रेलवे उन्हें एक्सप्रेस ट्रेनों में स्थापित करने का काम कर रहा है। एक और खबर है, 14 अप्रैल 2022 को डिब्रूगढ़ असम से दिल्ली के लिए इंडिगो के उड़ान में हवा में गर्म होने के कारण एक यात्री के फोन में आग लग गई। कैबिन क्रू ने आग बुझाने के यंत्र की मदद से उस पर काबू पाया। सभी यात्री सुरक्षित है और किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। फोन में आग लगने वाले यात्री को भी चोट नहीं आई। उड़ान दिल्ली में सुरक्षित लैंड हो गई। पता चला कि फोन की बैटरी ज्यादा गर्म होने की वजह से ऐसा हुआ था। हालांकि यह पहली बार नहीं है जब इस तरह का मामला हुआ हो।